हेलो क्लास सेवन स्टूडेंट, नाउ चैप्टर फाइव इज कंटिन्यू लाइंस एंड एंगल। लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द ट्रांसवर्सल। हमने ट्रांसवर्सल में डिस्कस किया था कि ट्रांसवर्सल क्या होता है और उससे रिलेटेड, अगर ट्रांसवर्सल किसी भी टू लाइंस को क्रॉस करता है, मतलब कट करता है, तो उसके द्वारा कितने एंगल फॉर्म होते हैं। जैसे कि हमारे एट एट एंगल फॉर्म हो रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से एंगल थे। इंटीरियर एंगल था, एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमने डिस्कस किया था। बट हमने उस टाइम पे डिस्कस किया था कि मतलब ये दोनों लाइंस क्या पैरेलल नहीं थी। अब हम नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन। अगर ट्रांसवर्सल मतलब पैरेलल लाइन को कट करेगा तो हमारे क्या होगा, मतलब व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, मतलब ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो एट एंगल फॉर्म होंगे। है वो सेम स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टीज, इसमें क्या होगा, सेम स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टीज होगी। ओके सर, जैसा कि हमारे ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, ओके इंटरसेक्ट कर रहा है, और हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे एट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारी, हमारे एंगल को कितने सिक्स एंगल फॉर्म होते हैं। फर्स्ट क्या हमारा अल्टरनेट सॉरी फर्स्ट हमारा इंटीरियर एंगल, सेकेंड हमारा एक्सटीरियर एंगल, थर्ड हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, फोर्थ हमारा कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, फिफ्थ हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और सिक्स्थ हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हम ये हमारे एंगल फॉर्म होते हैं ट्रांसवर्सल से, दो लाइंस को कट करते हैं तो हमारा इंटरसेक्ट करती है। अब अगर लाइंस पैरेलल हो, हमारी दोनों लाइंस क्या हो, हमारी दोनों लाइंस पैरेलल हो, ओके दोनों लाइंस पैरेलल हो तो हमारा क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने क्या बताया था आपको, क्या क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं 4 एंड 6 3 एंड 5 इंटीरियर है, बट ये ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड रहते हैं। एक इस साइड है तो एक इस साइड होगा, एक इस साइड है तो एक इस साइड होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हमारे 4 6 एंड 3 एंड 5, ये हमारे क्या हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, आर इक्वल होंगे, द 4 इक्वल होगा किसके, 6 के। अगर हमारा 460 डिग्री है तो 6 भी कितना होगा हमारा 60 डिग्री होगा, 3 हमारा 60 डिग्री होगा तो 5 भी हमारा कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो 4 6 के इक्वल होगा एंड 3 5 के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्या हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। अब हमने जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखा था लास्ट टाइम पे, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं हमारे 1 एंड 7, ये 1 एंड 7 दोनों एक्सटीरियर है, पैरेलल लाइन के आउटसाइड है और दोनों दोनों ट्रांसवर्सल के अपोजिट है, तो हमारे क्या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, तो 1 और 7 इक्वल होगा, 2 एंड 8 इक्वल होगा। ओके 1 एंड 7 1 7 के इक्वल होगा, 7 1 के इक्वल होगा, और 2 और 8 आपस में इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है मतलब हमारा दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं, ये तो इस साइड होंगे या इस साइड होंगे, बट एक क्या होता है हमारा, एक एक्सटीरियर होता है और एक इंटीरियर होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है हमारा 1 एंड 5, ये हमारे क्या करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके एक एक्सटीरियर एंगल होता है और एक इंटीरियर एंगल होगा, और दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड होंगे, तो हमारा 1 एंड 5 क्या होगा इक्वल होगा, 2 एंड 6 इक्वल होगा, 4 एंड 8 इक्वल होगा क्योंकि एक इंटीरियर होगा एक एक्सटीरियर होगा। ओके स्टूडेंट, और 3 एंड 7 इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये होता है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होता अगर लाइन पैरेलल होगी तो। ये सारी प्रॉपर्टीज कब लगेगी हमारी, हमारी लाइन क्या होनी चाहिए पैरेलल होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज सम ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, सम ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, मीन्स कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा हमारा 80 डिग्री होगा। ओके सर, तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे स्टूडेंट, आपके आपके कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होंगे, जैसे कंजिक्यूटिव दोनों क्या होंगे सेम साइड होंगे, ओके 3 एंड 6 ये क्या आपके कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, तो 3 एंड 6 का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा,
और हमारा एक और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, फोर एंड फाइव, ये भी हमारा कंसेक्यूटिव है, तो फोर एंड फाइव का एंगल भी इसका सम क्या होगा हमारा 180 डिग्री होगा। नाउ नेक्स्ट इज सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज वन, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल होगा। अभी हमने कौन सा देखा था, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, अब हम देखें सम ऑफ कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा हमारा 1 और 8, दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड नहीं है बट एक्सटीरियर होंगे, तो 1, 8 और 2 और 7, तो 1 और 8 का हमारा सम कितना होना चाहिए 180, और 2 और 7 का सम हमारा क्या 180 होगा। ओके स्टूडेंट, तो अगर हमारी लाइन्स पैरेलल होगी तो हमारी ये सब ये सारी प्रॉपर्टीज लगेगी, क्या होगा फर्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एक हमारा क्या होता है एक एक्सटीरियर होता है एक इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर एक इंटीरियर क्या होगा ना स्टूडेंट, और सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल 180 डिग्री। कंसेक्यूटिव इंटीरियर मतलब दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड होंगे और उन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो वो होगा हमारा 180 डिग्री होगा स्टूडेंट अगर लाइंस पैरेलल होगी तो, और सम ऑफ कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल भी क्या होगा हमारा 180 डिग्री होगा ओके स्टूडेंट। सो अब हम इससे रिलेटेड लेट्स आए 2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे ओके स्टूडेंट। तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज, हमको क्या करना है प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करती है फॉर ईच केस, जैसे हमको 1, 2, 3, 4, 5 ये हमको केस दिए हैं ओके स्टूडेंट, तो हमको इसमें डिटरमाइन प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करनी, बट गिवन दैट हमको क्या गिवन है ए और ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी ये हमारा क्या पैरेलल का साइन है, क्या हमारा पैरेलल का साइन है, तो ए बी पैरेलल है सी डी ओके, ए बी पैरेलल है सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्जन ऑन ए बी एंड सी डी, और ई एफ हमारी क्या है ट्रांसवर्जन मतलब इसको इंटरसेक्ट कर रही है ए बी और सी डी को ओके। अब पैरेलल लाइन है, और तो अभी हमने डिस्कस किया था पैरेलल लाइन से प्रॉपर्टीज कौन कौन सी डिस्कस करी थी आपको अच्छे से याद होगी, तो फर्स्ट हमारा क्या है वाई एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 क्यों इक्वल होंगे, जैसे आपका एंगल 2 एंड एंगल 6 तो ये आपका इक्वल क्यों होगा आप बताइए, मैंने आपको भी समझाया था ना, जैसे ये एंगल 2 एंड एंगल 6 आपका कहाँ आ रहा है एंगल 2 एंड एंगल 6 ये यहाँ आ रहा है, क्या था करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही है यहाँ पे हमारी, हमारी लग रही है करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल ओके स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि पैरेलल लाइन होगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। नाउ सेकंड इज वाई थ्री एंगल 3 प्लस एंगल 6, अब एंगल 3 हमारा कहाँ है एंगल 3 है और एंगल 6 है, अब इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों होगा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही है हमारी, हमारी यहाँ लग रही है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कौन सी लग रही है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है हम मतलब हमारे दोनों एंगल ट्रांसवर्सल की सेम साइड होंगे, दोनों इंटीरियर होंगे होंगे और हमारे पैरेलल होंगे, तो इन दोनों का सम क्या होगा हमारा 180 डिग्री होगा। इसी तरह आपका सी डी ई ये आपको सोल्व करना है क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से डिस्क्राइब करी ओके स्टूडेंट। ना सेकेंड क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, जैसे आपको फिगर गिवन है अब हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड्स ऑन ट्रांसवर्सल, अब इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन कौन से हमारा 3 और 5, जैसे मैं आपको यहाँ लिख के बताता इसका आंसर ना एंगल 3 एंड एंगल 5 और एक और कौन सा हमारा एंगल 4 एंड एंगल 6, ये हमारे क्या इंटीरियर एंगल है ऑन सेम साइड, ये दोनों आपके सेम साइड है और ये दोनों सेम साइड और दोनों क्या है इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा हमारा मतलब दोनों एक एक ट्रांसवर्सल के इस साइड रहेगा तो एक ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड रहेगा,
जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक पेयर में आपको बता देता हूँ, एक पेयर आपको खुद को लिखना हो, क्वेश्चन थ्री एंड सिक्स, ये आपका क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एक और पेयर कौन सा बना हमारा, फोर एंड फाइव का बन रहा है। क्वेश्चन नाउ थर्ड इज अ करस्पोंडिंग एंगल। करस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, करस्पोंडिंग एंगल में दोनों दोनों ट्रांसवर्सल की सेम साइड होंगे, बट एक एक्सटीरियर होगा तो एक इंटीरियर होगा। तो मैं आपको एक वन एंड एंगल फाइव, ओके, जैसे आप एक दोनों ट्रांसवर्सल की सेम साइड है बट एक एक्सटीरियर था एक इंटीरियर है। अब एक और मैं इसमें ड्रॉ करता हूँ, एंगल थ्री एंड एंगल सेवन, ओके स्टूडेंट, ये भी ट्रांसवर्सल की सेम साइड है बट एक इंटीरियर था एक एक्सटीरियर होगा। ऐसे ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड भी हमारे दोनों बन रहे हैं, उसको आपको सोल्व करना होगा। स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, मतलब जिससे आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या था, दो एक इस साइड था एक इस साइड था, उसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल की इस साइड होगा तो एक ट्रांसवर्सल की एक अपोजिट साइड होगा। तो अब मैं आपको एक लिख देता हूँ, आपको वन एंड एट, ओके, ये आपके क्या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। इससे रिलेटेड एक और पेयर कौन सा बन रहा, एंगल टू एंड एंगल सेवन, ओके स्टूडेंट। सो आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट डिटरमाइन वेदर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। हमको क्या सी ए बी और सी डी क्या पैरेलल है या नहीं है हमको डिटरमाइन करना है, और नोट है या नहीं है हमको फॉलोइंग केस, जो केस दिया उससे फॉलोइंग करना है, गिवन रीजन गिवन आंसर। आपके आंसर में हमको रीजन भी गिव देना हो, क्वेश्चन। सो अब हमने देखा था जैसे पैरेलल लाइन है कि नहीं, हमको इस एंगल के थ्रू हमको डिस्कस करना है, तो हमारे कौन से हो रहे अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहे, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि मैं आपको समझाया था यहाँ पे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फोर एंड सिक्स, अल्टरनेट मतलब एक ट्रांसवर्सल के साइड एक अपोजिट साइड होगा तो एक ट्रांसवर्सल के दूसरे अपोजिट साइड होगा, ओके। तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है, मतलब ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो क्या आएगा हमारा, यस ये लाइन पैरेलल है, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ओके स्टूडेंट। तो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या इक्वल है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी, ओके। हमने रीजन भी हमने इसमें शो कर दिया, ओके स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्या हमारा बी पार्ट्स, बी क्या हमारा, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है ये नहीं है, हमको ये शो करना है, ओके स्टूडेंट। तो आपको जैसे कि आपको आपको अच्छे से डिस्कस होगा कि जैसे एक लाइन पे बने हुए एंगल, जैसे सॉरी अपन इसको इसे डिस्कस कर लेते हैं। नाउ जैसे कि ये आपके दो लाइन्स है और हमको टू एंगल गिवन है, तो टू दोनों एंगल क्या है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड है, ओके, ट्रांसवर्सल की सेम साइड है, और दोनों क्या अंदर है, इन दोनों का सम हमारा कितना हो रहा है, 63 प्लस 117, इन दोनों का सम हमारा क्या होता है, 180, ओके स्टूडेंट। तो मैं आपको सम कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल में क्या होता है, जो हमारे दोनों इंटीरियर एंगल होते हैं सेम साइड, ट्रांसवर्सल की सेम साइड, उनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, और हमारे इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 180 डिग्री है। सो यस ये भी क्या है, पैरेलल है, यस है ना, ओके। और क्यों, बिकॉज क्यों, ये भी हमको करना है, तो क्या करना है, हमको इसका रीजन देना है। तो क्या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड एंड सम ऑफ एंड ना एंड सम ऑफ 180 डिग्री, बिकॉज क्यों, ये क्या है, कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, ओके। तो हमारी ये दोनों भी क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। नाउ सी, अब हमारा सी है कि नहीं ये हमको देखना है। तो जैसे कि आपका
टू एंगल्स गया, या क्या हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एक इस एक ट्रांसवर्स की अपोजिट साइड है और एक ट्रांसवर्स के अपोजिट साइड है, बट ये हमारे ट्रांसवर्स के अपोजिट साइड होते हैं, क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होगी, अगर पैरेलल लाइन होगी तो इक्वल होगी, बट ये हमारी क्या दोनों एंगल इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारी पैरेलल लाइन नहीं होगी, क्योंकि नो क्यों नहीं है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर नॉट इक्वल, क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर नॉट इक्वल। ओके स्टूडेंट, नाउ ये डी आपको सोल्व करना, ओके स्टूडेंट, तीन तीसरी अब मैंने सोल्व कर दिए और डी पार्ट आपको सोल्व करना, ओके स्टूडेंट, अब हमको नेक्स्ट सोल्व करना है इन द फॉलोइंग फिगर, जैसे आपको फिगर गिवन है और हमको सारे एंगल्स फाइंड करना है, ओके, सो सबसे फर्स्ट मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम क्या होना चाहिए हमारा, 180 डिग्री होना चाहिए, तो हमारा 4x प्लस 2x का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ओके स्टूडेंट, तो 4 और 2 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, तो x इज इक्वल टू 6 3 वन, सो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, इज इक्वल टू 30, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई, तो हम 4 है 4x है, तो 4 इंटू 30 इज इक्वल टू 3 4 जा 12, तो 120 डिग्री हो जाएगा हमारा, और 2x है तो 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो हमारा ये एंगल क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, ये हमारा एंगल हो गया 120 डिग्री, ओके स्टूडेंट, तो हमारा फर्स्ट क्या है ट्रायंगल एंगल बी पी एंड वाई, तो हमारे बी पी वाई क्या आ गया स्टूडेंट, हमारे बी पी वाई क्या आ गया 60 डिग्री है, क्योंकि हमारे एक एंगल हमने फॉर्म किया है, तो हमारा 60 डिग्री आएगा, एंड ए पी वाई पी क्या आ गया हमारा, ए पी वाई हमारा क्या आ गया 120 डिग्री, ओके स्टूडेंट, नाउ डी पी क्यू, अब डी सॉरी डी पी क्यू का हमारा डी पी एंड क्यू, अभी हमारा क्या होगा, तो आपको सोल्व करना है, बाकी के एंगल सारे आपको सोल्व करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से एंगल क्या होंगे, तो आपको ये सारे एंगल्स फॉर्म करने हो, मैंने जैसे कि आपको बताया था, जैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि हमारी ये लाइन्स क्या है पैरेलल है, हमको दिख ही रही है कि हमारी लाइन्स क्या है पैरेलल है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब ये हमारा 180 डिग्री, ये हमारा 120 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 120 डिग्री होगा, ओके स्टूडेंट, ये हमारा 60 डिग्री क्योंकि हमने फॉर्म किया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ओके स्टूडेंट, नाउ हमने और डिस्कस किया था कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तो हमारे हो गए, ठीक है, अब ये देखिए कि हमारा एक लाइन्स पे बना हुआ एंगल है ये पूरा, तो आपका पूरे का सम क्या था 180 डिग्री होगा, तो 60 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, वो आपको सोल्व करना है, नेक्स्ट आगे भी आपको सोल्व करना है, अगर आपसे सोल्व नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट डे हमको मैं आपको इसको सॉल्यूशन पूरा सेंड कर दूंगा, बट आप एक बार खुद ट्राई करिए, ओके स्टूडेंट, नाउ आप क्वेश्चन 5 भी ट्राई करिए, अगर ये भी आपसे नहीं होगा तो मैं आपका इसका सॉल्यूशन आपको मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट डे, ओके स्टूडेंट, तो आपकी ये लाइन्स एंड एंगल कंप्लीट हो गया है, ओके स्टूडेंट, इससे रिलेटेड अब मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए हैं उससे रिलेटेड ही आपके अभी एग्जाम में आएंगे, और जो जो मैंने छुड़वाए वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ओके स्टूडेंट, बट मैं इन दोनों का सॉल्यूशन मैं आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगा, बट आप एक बार खुद ट्राई करिए कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो मैं कल आपको सॉल्यूशन सेंड करूंगा, तो आप उससे अपना अपना सॉल्यूशन चेक करना, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।